पिछले कई महीनों से भाजपा की राजस्थान इकाई के भीतर की दरार पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के लिए चिंता का विषय रही है। यही वजह है कि पिछले सप्ताह राज्य में हुई राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक के दौरान यह मुद्दा अंदर ही अंदर हावी रहा। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में इस साल दिसंबर में चुनाव होने हैं, लेकिन बीजेपी ने कई कारणों से इन राज्यों के बजाय राजस्थान में अपने पदाधिकारियों की बैठक आयोजित करने का विकल्प चुना। दरअसल कांग्रेस ने भाजपा सम्मेलन से ठीक दो दिन पहले उदयपुर में अपना चिंतन शिविर आयोजित किया था, जिसके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सत्तारूढ़ दल को काफ़ी चर्चा दी। माना जाता है कि कांग्रेस के इवेंट को कम तर करने के लिए भाजपा ने चुनावी राज्यों को न चुनकर राजस्थान को चुना। राज्य वापस हरकत में आ गई है और भाजपा के सम्मेलन में सबसे आगे दिखी है, जबकि वह उस घटनाक्रम से अलग रही थी जब तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ विद्रोह किया था और भाजपा ने कथित तौर पर सरकार को गिराने के लिए गहलोत पर हमला किया था। राज्य भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। वह जयपुर में 19 से 21 मई तक 3 दिवसीय सम्मेलन के दौरान सभी कार्यक्रमों में भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा के साथ मौजूद थी। पूरे राजस्थान में अपनी पकड़ रखने वाली भाजपा की एकमात्र नेता राजे अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी के प्रचार अभियान में अहम भूमिका निभा सकती है। जी हां, आपको बता दें, राजस्थान सत्ताधारी पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए जाना जाता है और इसने भाजपा को 2023 में सत्ता में लौटने की उम्मीद दी है। भाजपा ने 2014 और 2019 में राज्य की सभा 25 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। 2018 के राज्य चुनावों के दौरान राज्य के खिलाफ काफ़ी नाराजगी थी, लेकिन तब से लगता है कि स्थिति में सुधार हुआ है। अतीत में राज्य ने राज्य में प्रमुख पदों पर अपनी पसंद के नेताओं को नियुक्त करने के लिए भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के प्रयासों को विफल कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।